बाढ़ में टूटा विकलांग युवक का मकान, अभी तक नहीं मिली कोई प्रशासनिक सहायता। प्रधानमंत्री आवास कुटीर दिलाने डीएम से लगाई गुहार। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खरई जालिम में रहने वाले विकलांग युवक रामपाल कुशवाहा पिता करानू कुशवाहा उम्र 40 कलेक्टर से गुहार लगाते हुए बताया कि वह पैरों से अपाहिज और गरीब है, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके उसके परिवार का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है एवं बाढ़ में उसका घर भी टूट गया, जिसके बाद उसे किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक सहायता नहीं मिली, जहां उसने कलेक्टर से प्रधानमंत्री आवास की कुटीर दिलाने हेतु गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? रामपाल कुशवाहा। कहां से आयो? खरई आलम से। आज कलेक्टर साहब के पास आयो, क्या समस्या लेके आयो? सर जी, 2021 में बाढ़ से मेरा घर बह गया, जो कपड़ा लत्ता थे सब, खाने पीने का सामान सब बह गया, कुछ नहीं बचा था। जो दुकान चलता है वर्षा होती है, मेरे बच्चे पल्लीडार के बाहर रहते हैं। तो अभी रहने की कुछ व्यवस्था नहीं? कुछ नहीं है, पल्लीडार के रहते हैं। तो अभी किस तरीके की जगह में रह रहे हो? पल्लीडार के, घास फूस की टपैया बना के पल्लीडार के रह रहे हैं सर। तो अभी कुटीर जो चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो हमें कुटीर नहीं मिली? नहीं मिली। इसके लिए आपने आवेदन वगैरह जमा किए? आवेदन सर लगाया था मैंने, सरपंच को दिया था, इसने पता नहीं है लगाया कि नहीं लगाया। तो सरपंच का क्या कहना, उससे बात हुई? सरपंच ये कह रहा था कि मतलब ऊपर से नाम तुम्हारा बाबा नाम नहीं, हम क्या करें, ऊपर से आएंगे तब हम देंगे, एक सरपंच तो ये कहते हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? अब सर ये कहते हैं हम रहने के लिए कुटीर मिल जाए, रहने के लिए कुटीर चाहिए। हाँ, तो आज कलेक्टर साहब के पास आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? दिखवा लेंगे, बुलाओ, दिखवा लेंगे। दिखवा लेंगे। हाँ।